ये है ईरान, दुनिया के कदीम तरीन सिविलाइजेशंस में से एक। पिछले करीबन 500 सालों से ईरान इन्हीं बॉर्डर्स के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, और शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो, चाहे वह रोमन्स हो, अरब्स हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रशियंस हो या फिर ब्रिटेन हो। हर एक सुपर पावर ने ईरान को फतह करने की कोशिश की है, और इसकी एक बड़ी वजह तो यह थी कि ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यही वो एक कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। आज का ईरान 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ, और वेस्टर्न साइड पर इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की भी एक्सेस है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है, और साउथ में पर्शियन गल्फ, और गल्फ ऑफ ओमान ईरान की सदर्न साइड पर ही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस कहते हैं। पूरी दुनिया की 20 पर ऑनियल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजर कर आती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के पास। ये 7 आइलैंड्स भी 1970 से ईरान के कंट्रोल में है, हालांकि इससे पहले इन पर यूएई का कंट्रोल था। इसी तरह इधर कैस्पियन सी में भी यह आशूरा डे आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। पिछले 40 सालों से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मी और इकोनॉमी होने के बावजूद अभी तक कोई भी वेस्टर्न कंट्री ईरान पर अटैक करके उस पर कब्जा नहीं कर सकी। सब कंट्रीज जानते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक करना बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है। ईरान को अनकंकरेबल बनाने में बहुत सी और रीजंस के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी प्रॉक्सी वॉर्स ने उसे इतना पावरफुल कैसे बना दिया है। सबसे पहले हम ईरान की ज्योग्राफी को समझते हैं। ईरान की सदर्न और वेस्टर्न साइड पर जगरोस माउंटेन रेंज है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई यह माउंटेन रेंज ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। यह सारा एरिया बहुत ही पथरीला है और इसे क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना फायदा है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर अटैक किया तो उसका प्लान यह था कि एक तो वो यहां खजनियाची पर कब्जा कर ले, और फिर यहां से आगे ईरान के बाकी शहरों पर भी कब्जा करके ईरानियन रेवोल्यूशन को कुचल दे, क्योंकि सब अरब कंट्रीज डरे हुए थे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के असरात बाकी अरब तक ना फैल जाएं। मगर इराकी आर्मीज 2 सालों में सिर्फ इधर खुजस्तान तक ही पहुंच सकी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह जगरोस के पहाड़ों को क्रॉस करके ईरान पर कब्जा कर सके, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली, और फिर इवेंचर इराकी फोर्सेस को पीछे धकेल हुआ, इराक के अंदर तक घुस गया। मगर यहां पर ईरान को भी यह मसला आया कि जहां इराकी आर्मी को आसानी से उसके शहरों से सप्लाई मिल रही थी, वहीं ईरानी आर्मी को सप्लाई पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ईरान के सारे बड़े डिपो और शहर जगरोस माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ थे। यही वजह है कि 8 साल बाद यह वॉर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर में 1 इंच भी चेंज नहीं आया। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न साइड पर कैस्पियन सी के साथ अल्बोर्स माउंटेन रेंज है, जो इस नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है, और यह पहाड़ सिर्फ ईरान को नेचुरल प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि बहुत से रिसोर्सेज भी देते हैं। ये दोनों माउंटेन रेंजेस यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक से मालामाल है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्व्स हैं। इसी तरह 20th सेंचुरी ने ईरान की इस ज्योग्राफी को 4 चांद लगाए, जब यहां पर्शियन गल्फ के पास ऑनियल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए। आज की डेट में पूरी दुनिया के 10 पर ऑनियल और फंबरी पर नेचुरल गैस के रिजर्व्स ईरान के पास हैं। ईरान को एक और चीज जो प्रोटेक्शन देती है वो 200 किमी लंबी ये कोस्ट लाइन है, जो 2 समुद्रों के बीच डिवाइडेड है, बंदर अब्बास। ईरान का सबसे बड़ा सीपोर्ट, दुनिया के एक बहुत बड़े चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मो से सिर्फ 70 किमी दूर है, और यही पॉइंट आज ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी है। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए यह पॉइंट ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कलेक्स कर जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15 पर एनर्जी सप्लाई यहां से गुजरकर एशिया और यूरोप को जाती है। अब अगर फर्ज करें कि कोई ये कोस्ट लाइन और ये 2 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करके ईरान के अंदर आ भी जाए तो यहां पर दूसरा सबसे बड़ा बैरियर ये दश्ते लूथ और कवी रेगिस्तान है। लूथ डेजर्ट को द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहते हैं, क्योंकि 2005 में यहां पर 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था।
इस टफ अरेना में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सबसे पहले अगर हम ईरान के डेमोग्राफिक्स को देखें तो इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95 शिया मुस्लिम है। ईरान में 62 पर पर्शियन है, 16 पर अरी, 10 पर कुर्द और बाकी 12 पर बलोच, लूर अरब और तुर्क हैं। अब 1979 की शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस खिता में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रांग एला भी था। इवन उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खुमैनी के आने के बाद यहां के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था। लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही प्लेटिनियस की सपोर्ट में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 एनिमी है। तेहरान ने इसराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए। इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और तेहरान में मौजूद इसराइली एम्बेसी को प्लेटिनियन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो यह हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की यह खराबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारी अरब स्टेट्स भी शिया रेवोल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से खूफ ज्यादा थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी इधर अरब स्टेट्स तक ना पहुंच जाए और इसके नतीजे में उनकी किंगडम को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज इन सब अरब स्टेट्स में बादशाहत थी, 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक किया था। यहीं पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे अपनी आइडियो को बाहर दूसरे का कंट्रीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब कंट्रीज हैं जो उसके सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको थ्रेट कर सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इसराइल या एंटी जैनित थे, जैसे कि प्लेस्टाइन में हम्स लेबनान में, हिजबुल्ला सीरिया में, फातम ब्रिगेड इराक में, अल बदर और यमन में होसी। इस सारे नेटवर्क को द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान इसराइल और इवन अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हजार बार सोचे। इसीलिए जब इसराइल ने गज पर बम्बामेंट शुरू की तो इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए और यहां यमनी हसीहों ने रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया है। अब वॉरफेयर स्ट्रेटजी की बात हो ही रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में जब हसन की तरफ से यहां से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के शाही ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला AIR-15 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $2 लाख थी। यमनी हसीन, ये सारे ड्रोन ईरान सप्लाई कर रहा है और इनके खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान के सारे मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल, अगर हम ईरान की ज्योग्राफी, उसकी प्रॉक्सी स्ट्रेटजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद के ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की सैंक्शंस हैं और उसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड्स पर बहुत छोटी है। ईरान एक ऐसे कंट्री के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के बारे में बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट को देखें कि दुनिया के दो चौक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबल मंदिर ईरान की टारगेट रेंज, तो यही चीज़ उसे बहुत पावरफुल लेवरेज दे देती है। और अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हम मास के लीडर इस्माइल हुनिये पीओपी हाल, तो इस्माइल हुनिये पीओपी जैसे इंटरनली
कुछ गड़बड़ भी है, ईरान इस पर कब और कैसे रिटेल करेगा, और क्या ईरान इसराइल और अमेरिका का जवाबी वार सहने की सलाहियत रखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हैं वो सारे सोर्सेस जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।